कुमार, इंडिया मैथ 365 में आपका स्वागत करता हूं। ठीक है बच्चे, तो आज हमने क्या है जो साइंस का जो सेकंड चैप्टर रहेगा हमारा एसिड बेस एंड साल्ट, वो हमने स्टार्ट किया हुआ था बच्चे। पीएच स्केल होता क्या है, ये क्या सिस्टम है बच्चे, क्या फंडा है पीएच स्केल वाला? ठीक है, तो पीएच स्केल हमें पता है बच्चे क्या होता है, ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, क्या होता है जो हमें मेजर करता है किसकी रीडिंग को, एसिड की और बेस की, कि कितनी रीडिंग आई है एसिड की और कितनी रीडिंग आई है तो बेस होगा, ये तो हमें पता होना चाहिए ना बच्चे। उसके लिए बच्चे एक स्केल रहता है, क्या रहता है, पीएच स्केल। ठीक है, कि कितनी मतलब यूनिट आई तो वो एसिड होगा और कितनी यूनिट आई तो वो क्या होगा, बेस होगा। ठीक है, तो एक टेबल रहता है, उससे पहले बता दो आपको एसिड सॉरी पीएच, पीएच का नेम क्या होता है, पीएच होता है बच्चे पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, क्या होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, क्या बोलते हैं इसे, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है बच्चे, क्लियर है, क्या बोला मैंने कि पीएच को बोलते क्या है, पीएच को नाम क्यों आना चाहिए बच्चे, पीएच का क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद देखते हैं जैसे कि पीएच स्केल होता है बच्चे, हमने एक स्केल बना दी, हमने स्केल बना दिया, अब जो स्केल है बच्चे इसके ऊपर जो रीडिंग रहती है ना, जो रीडिंग रहती है ना, आज तो बच्चे डिजिटल भी आने लगे, डिजिटल भी आने लगे, कि जब उसको क्या बच्चे उस जो इंस्ट्रूमेंट में क्या करते हैं, उस जो एसिड का जो सॉल्यूशन होता है या फिर बेस का सॉल्यूशन होता है उसमें क्या कर देते हैं, ऐसे मिक्स कर देते हैं। ठीक है, या फिर डुबो के देखते हैं उसमें से और नोट करते हैं कि उसमें क्या है, कितनी उसकी जो है डिजिटल में उसमें क्या आ रही है बच्चे, उसकी मतलब यूनिट आ रही है 1, 2, 3, 4 या फिर एस वन एस कुछ भी। ठीक है, तो उसी प्रकार बच्चे क्या है, एक जैसे कि याद रह गया एक स्केल है, हम स्केल के मेथड से बताऊंगा आपको कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है इसके अंदर। तो बच्चे इसमें क्या होता है, इसकी जो मेजरिंग होती है बच्चे वो 0 to 14 होती है, 0 to 14 होती है, क्लियर है, 0 to 14। उसके बाद 0 to 14 जो इसमें मार्क्स होते हैं, जो मिडिल में रहता है वो क्या रहता है बच्चे, 7 रहता है, क्या रहता है, 7 रहता है, और 7 रहता है क्या बोलते हैं, न्यूट्रल, क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। कि जब कोई बच्चे जब कोई पॉइंट क्या 7 आती, मतलब उसकी जो रीडिंग है बच्चे कितनी आ जाएगी, रीडिंग है 7 आ जाएगी, तो उस टाइम क्या बोलेंगे उसे, हम न्यूट्रल है वो। ठीक है, न्यूट्रल है तो उस टाइम बच्चे क्या है, न्यूट्रल होगा। और ये केस होगा बच्चे जो 0 to 7 केस होगा बच्चे, वो क्या होगा, एसिडिक केस होगा, क्या होगा, एसिडिक केस होगा, मतलब क्या है यहाँ पे एसिडिक है, यहाँ पे जो जो एरिया है कहता है एसिडिक एरिया है, यहाँ पे जाना नहीं किसने। ठीक है, एसिडिक एरिया, उसी प्रकार एसिडिक एरिया, और 7 to 14 का आगे बच्चे किसका एरिया रहता है, ये किसका रहता है, बेस का एरिया रहता है, किसका एरिया रहता है, बेस का एरिया रहता है। ये क्या हो गया, एसिड हो गया, और ये क्या हो गया, बेस हो गया। ठीक है, अब हमें एसिड और बेस को पता ही है बच्चे, एसिड क्या होते हैं, जो एच पॉजिटिव आयन क्या करते हैं, रिलीज करते हैं वाटर के अंदर या फिर प्रोड्यूस करते हैं, उसी प्रकार क्या बच्चे बेस क्या करते हैं, ओ एच नेगेटिव आयन क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं या फिर रिलीज करते हैं इन वाटर के अंदर। ओके बच्चे, क्लियर है, पीएच स्केल क्लियर हो गया क्या? ठीक है, अब पीएच स्केल के लिए इसके बाद बच्चे बात आती है पीएच स्केल के बारे में, कि पीएच स्केल में कुछ ना रीडिंग रहती है बच्चे, रीडिंग कह सकते हैं हम, या फिर कुछ मतलब सब्सटेंस होते हैं उनकी, मतलब कि कैसे पता लगे कि उनकी पीएच वैल्यू कितनी है। ठीक है, कोई भी मटेरियल है उसके हमें बता दिया जाता है, पूछ लिया जाता है हमसे कि उसकी पीएच वैल्यू कितनी है। जैसे बच्चे क्या है ना, हमारा जो आपने देखा होगा कि लेमन जूस होता है बच्चे, जो नींबू का जो बच्चे रस होता है उसकी पीएच होती है बच्चे 2.2। लिख लो बच्चे, थोड़ी बातें हैं, दो तीन बातें हैं लिख लेना, जो लेमन जूस हमारा जूस होता है बच्चे, लेमन जो जूस होता है बच्चे उसकी जो पीएच होती है कितनी होती है, 2.2 होती है। क्या होती है, 2.2 होती है। ठीक है, हमारा जो ब्लड होता है बच्चे, हमारा जो ब्लड होता है खून होता है, उसकी जो पीएच होती है बच्चे 7.4 होती है। कितनी होती है, 7.4 होती है। और जो प्योर वाटर होता है, जो प्योर वाटर होता है बच्चे, उसकी जो प्योर वाटर है बच्चे उसकी पीएच कितनी होती है, 7.0 होती है। क्या होती है, 7.0, क्योंकि बच्चे वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है ना वो, तो है ना। उसके बाद ये रहेगी प्योर वाटर की, उसके बाद हमारी बॉडी आ जाती है ह्यूमन बॉडी की जो पीएच होती है बच्चे, जो ह्यूमन बॉडी की जो पीएच होती है बच्चे, ह्यूमन बॉडी की पीएच कितनी होती है बच्चे, 7.0 से लेकर 7.8 तक होती है। कितनी होती है, 7.0 से लेकर 7.8 तक होती है। उसके बाद बच्चे बात आ जाती है हमारा जो टीथ होती है वो क्या है ना, मतलब कि खराब होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, डैमेज होने स्टार्ट होते हैं। वो क्यों होते हैं बच्चे, जब हमारे पीएच जो है बच्चे, जो टीथ की जो पीएच है वो 5.5 से कम होने स्टार्ट हो जाती है ना,
जब जो हमारे टीथ की जो बच्चे पीएच है वो 5.5 से कम होने स्टार्ट हो जाएगी बच्चे, उस टाइम क्या होगा बच्चे हमारे जो दांत है वो क्या हो जाएंगे खराब होने मतलब टूटने स्टार्ट होते हैं, ठीक है डैमेज होने स्टार्ट हो जाते हैं टीथ। तो हमने क्या देखा बच्चे, हमने देखा पीएच स्केल क्या होता है, पीएच स्केल की रीडिंग कैसे मेजर करते हैं, ठीक है एसिडिटी कौन सा होता है और बेस कौन सा होता है बच्चे, ठीक है। उसके बाद बच्चे बात की हमने कि कुछ पीएच वैल्यू होती है, कुछ सब्सटेंस होती है उनकी पीएच वैल्यू होती है, तो हमने एक बात और एक बात और रखी बच्चे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बच्चे क्या है ना पीएच कितनी रहती है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की रहती है बच्चे 10, कितनी रहती है 10 रहती है, क्लियर है बच्चे, ठीक है। तो हमने कुछ ही क्या देखी इनकी पीएच वैल्यू देखी, अब क्या है बच्चे पीएच वैल्यू के बाद हमें क्या इसके बारे में एक बात हो रहा है बच्चे, केमिकल नहीं माना था बच्चे, ये पूछ लिया जाता है कि उस किस उस सब्सटेंस के अंदर एसिड कौन सा है, कि टमाटर के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, ठीक है दूध या फिर मिल्क के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, दही के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है बच्चे, ये कई बार क्या बच्चे पूछ लिया जाता है बच्चे, क्या पाया जाता है पूछ लिया जाता है बच्चे, ठीक है। जैसे कि जो हमारा टमाटर होता है क्या होता है टमाटो के पाया जाता है बच्चे ऑक्सैलिक अम्ल, कौन सा ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड एक मार्क्स में बार पूछ लिया जाता है बच्चे ये, ठीक है टमाटर के अंदर कौन सा होता है ऑक्सैलिक एसिड होता है। उसके बाद बच्चे बात करें हम तो जो खट्टे फल होते हैं बच्चे, मैंने उस दिन भी बताया था आपको जो खट्टे फल होते हैं, ठीक है जैसे कि हो गया लेमन हो गया, ठीक है या फिर ऑरेंज हो गया, उसके अंदर क्या होता है बच्चे उसमें जो कौन सा एसिड पाया जाता है उसके अंदर सिट्रिक अम्ल, कौन सा सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, बात करो आप लेमन के अंदर लेमन बात कर लो, ठीक है या बात करो बच्चे आप ऑरेंज की, इसकी ऑरेंज की, तो इसमें कौन सा पाया जाता है बच्चे, इसमें पाया जाता है बच्चे सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक एसिड, क्लियर है बच्चे। और हमारा एक हो जाता है बच्चे दूध, जो हमारा मिल्क होता है या फिर करंट होता है उसके अंदर कौन सा पाया जाता है बच्चे लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, कौन सा लैक्टिक एसिड पाया जाता है, मिल्क या फिर करंट, मिल्क या फिर करंट इसके अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है बच्चे, कौन सा पाया जाता है लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड, हाँ बच्चे क्लियर है ना कौन सा पाया जाता है लैक्टिक एसिड पाया जाता है। अब एक बात और है जो हमें जैसे चींटी होते हो क्या होता है ना चींटी होगी या फिर मधुमक्खी होगी हमें कई बार क्या होता है डंक मार देती है, देखा होगा आपने काट लिया डंक ने, उसके बाद उसका जो बच्चे क्या होता है हमारा उसका जो जहर होता है मान लीजिए जैसे कुछ भी है पॉइजन है हमारे शरीर की बॉडी के अंदर चला जाता है उसका, ठीक है उस जगह पर क्या होता है बच्चे क्या आप देखो सूजन आने स्टार्ट हो जाती है, सूजन आने स्टार्ट हो जाती है ना बच्चे, तो हम कह सकते हैं जो बच्चे जो हमारी मधुमक्खी होती है जो डंक होता है उसमें कौन सा एसिड होता है, उसमें कौन सा होता है बच्चे, उसमें होता है बच्चे मेथेनोइक अम्ल, कौन सा मेथेनोइक एसिड उसमें पाया जाता है बच्चे मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड ठीक है किसमें पाया जाता है बच्चे मधुमक्खी के डंक के अंदर हो गया या फिर चींटी के अंदर हो गया, ठीक है ना बच्चे। तो आज हमने क्या देखा बच्चे, हमने कुछ रिएक्शन देखी आज पीएच स्केल देखा, अब हम बात करेंगे किसकी, अब एक लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा बच्चे कि ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, फॉर्मेशन कैसे होती है इनकी, ठीक है और इसका केमिकल भी नहीं क्या है, ऐसे मतलब बच्चे तीन चार जो है बच्चे सब डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी डिफरेंट डिफरेंट नेम है उनके, तो वन बाय वन करके स्टडी करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके बारे में देखेंगे ब्लीचिंग पाउडर होता क्या, ब्लीचिंग पाउडर होता है बच्चे कैल्शियम ऑक्साइड क्लोरीन, ये क्या होता है बच्चे ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर ठीक है, इसका केमिकल नेम होता है ये, इसका ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या होता है कैल्शियम ऑक्साइड क्लोरीन, ठीक है। तो ये बनता कैसे बच्चे, फॉर्मेशन कैसे होता है ये, ठीक है वो देखिए क्या होता है, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब कि इसे क्या बोलते हैं बच्चे लाइम वाटर, क्या बोलते हैं लाइम वाटर बोलते हैं इसको, ठीक है जब लाइम वाटर को इन प्रेजेंस ऑफ Cl2 के रिएक्शन कराई जाती है तो फॉर्मेशन होती है बच्चे, किसकी होती है CaCl2 प्लस में क्या बनता है बच्चे वाटर बनता है, क्या बनता है वाटर बनता है, ठीक है। तो हमें क्या देखना था, ये तो बता बच्चे कि जब लाइम वाटर की बच्चे जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराई हमने, ठीक है तो फॉर्मेशन किसकी हुई, इसकी हुई ब्लीचिंग पाउडर की, और ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है यही होता है कैल्शियम ऑक्साइड क्लोरीन, ठीक है CaOCl2 नेम याद होना चाहिए, कई बार क्या बच्चे एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछ लिया जाता है कि केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, केमिकल नेम ऑफ बेकिंग पाउडर या केमिकल नेम ऑफ वाशिंग सोडा, ठीक है ना, तो इनका नेम याद होना चाहिए।
और हाँ नेम के बाद क्या है कि हमें फॉर्मेशन भी बताना चाहिए, ये बना कैसे, ठीक है। हमने देखा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है बच्चे लाइम वाटर होता है, जब लाइम वाटर को क्या किया जाता है CH2 के साथ क्या करते हैं रिएक्शन करा देती है तो क्या बनता है बच्चे, क्या बनता है ब्लीचिंग पाउडर बनता है, क्या बनता है ब्लीचिंग पाउडर बनता है, ठीक है। उसके बाद क्या बच्चे, ये तो रहा हमारा फर्स्ट। अब इसकी क्या यूजेस आ रहे थे, इसके यूजेस आ रहे थे ब्लीचिंग पाउडर के, कि यूजेस क्या है आपको पता है बच्चे, इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है जो कपड़े होते हैं जैसे कि वुड अपने क्लोथ हो गए, ठीक है, लिनन के हो गए, उस पर क्या बच्चे ब्लीचिंग की जाती है, क्या ब्लीचिंग की जाती है उनके ऊपर, ठीक है। और सेकंड बात करें इसका एग्जांपल बात करें बच्चे हम, तो जो ब्लीचिंग पाउडर होता है इसकी सेकंड एग्जांपल बात करें हम बच्चे, ये डिसइंफेक्टिंग क्या करता है, डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, क्या करता है बच्चे ये डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, कि जो वाटर के अंदर बच्चे जो क्या होते हैं जो डिस इन्फेक्शन होते हैं उनका कर देता है, दूर कर देता है, कौन कर देता है बच्चे ब्लीचिंग पाउडर, कौन कर देता है ब्लीचिंग पाउडर। ये कुछ इसके दो यूजेस थे बच्चे इसके ब्लीचिंग पाउडर के। अब सेकंड जो रहेगा हमारा क्या रहेगा बच्चे, बेकिंग सोडा, क्या रहेगा बेकिंग सोडा, ठीक है। तो सेकंड बात करें बच्चे हम बेकिंग सोडा की, बेकिंग सोडा बच्चे होता क्या है, ठीक है, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है सेकंड कर लो, ठीक है। तो बेकिंग सोडा का बच्चे जो केमिकल ये होता है ना वो क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन और कार्बोनेट, क्या होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका नहीं होता बच्चे बेकिंग सोडा का मतलब कि केमिकल ही होता बच्चे, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं ये जो बना, ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना ये कैसे बना, ठीक है। तो क्या देखते हैं हम, जब NaCl है बच्चे, जब NaCl के अंदर बच्चे वाटर के मोलिक्यूल डाल दिए, ठीक है, CO2 मिक्स कर दी और क्या डाल दिया अमाइन डाल दिया NH3, ठीक है। तो क्या बना बच्चे मेरे पास, क्या बना NH4Cl2, क्या बना NH4Cl2 प्लस में क्या बन गया बच्चे मेरे पास NaHCO3, क्या बन गया सोडियम हाइड्रोजन का। हमें यही तो बनाना था, हमें क्या बनाना था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही बनाना था बच्चे, ठीक है। क्या हुआ जब सोडियम मतलब कि सोडियम क्लोरीन की जनरेशन कराई बच्चे, जब सोडियम क्लोरीन की जनरेशन कराई हमने तो क्या बना बच्चे, किसके साथ कराई वाटर के साथ, ठीक है। और क्या डाला इसके अंदर हमने CO2 गैस डाल दी हमने, ठीक है। और क्या मिक्स करते बच्चे अमाइन, क्या कर दिया अमाइन NH3, ठीक है। उसके बाद इसकी फॉर्मेशन हुई तो बच्चे हमारे पास क्या बना इसका, क्या बना अमाइन क्लोराइन बन गया, अमाइन क्लोराइन बन गया और क्या बन गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब क्या बन गया बच्चे बेकिंग सोडा बन गया, क्या बन गया बेकिंग सोडा बन गया, ठीक है। अब हमें क्या होता है बच्चे बेकिंग सोडा के जो यूजेज आए थे, क्या होता है बेकिंग सोडा के यूजेज आए थे, तो बेकिंग सोडा क्या होता है बच्चे यूजेज क्या होते हैं इसके, कि इनग्रेडिएंट एंटासिड एंड इनग्रेडिएंट एंटासिड, आपने बच्चे इनो देखा होगा कब जब किसी के मतलब कि एसिडिटी हो जाती है उस टाइम क्या बच्चे जो हम प्रेफर किसको करते हैं, हम इनो को प्रेफर करते हैं कि इनो लो तो ठीक हो जाएगा, ठीक है। वो क्या होता है बच्चे, वो यही कारण है कि उसके अंदर इनो के अंदर बच्चे क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है मिक्स होता है, इनो के अंदर क्या होता है बच्चे ब्लीचिंग पाउडर जो होता है मिक्स होता है, ठीक है। तो और इसकी सेकंड एग्जांपल की बात करें बच्चे, ये किस मतलब जो किसमें काम आता है, ये बेकिंग पाउडर बनाने का होता है, किसके बेकिंग पाउडर के, जो बच्चे जो बेकिंग सोडा है बच्चे वो क्या बनाने का होता है बेकिंग पाउडर बनाने के। अब बेकिंग पाउडर का यूज आया था बच्चे, तो आपने देखा होगा जो ब्रेक जो क्रोकरी वाले होते हैं सॉरी बेकरी वाले, तो बेकरी वाले क्या यूज करते हैं ब्रेड को होते हैं और उसको क्या करते हैं वो मतलब बिल्कुल सॉफ्ट बना देते हैं ना, वो इसी का है बच्चे, जो बेकिंग पाउडर होता है ना हमारा वो किस यूज होता है, उसके यूज क्या है ब्रेड, जो ब्रेड होती है ठीक है उसको क्या करती है वो सोपी या फिर क्या कर देती है सॉफ्ट, सोपी या फिर सॉफ्ट बनाने का होती है, ठीक है। तो ये क्या था बेकिंग सोडा, ठीक है। इसका केमिकल नेम पता होना चाहिए बच्चे हमें, इसकी फॉर्मेशन कैसी हुई वो भी पता होना चाहिए। तो हमें इसमें यहाँ पे क्या बना हमारे पास, यहाँ पे बना हमारे पास बच्चे अमाइन क्लोराइड, ठीक है बच्चे क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है आपको। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद बच्चे बात आ जाती है थर्ड की, कौन सी की थर्ड की, थर्ड की बात होती है बच्चे क्या होती है वाशिंग सोडा, जो थर्ड रहेगा ना बच्चे वो क्या रहेगा हमारा वाशिंग सोडा, ठीक है वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा तो सबने देखे होगा बच्चे घर में कपड़े धोते हो, ठीक है, तो उसी का काम होता है ना धोने के कपड़े। तो वाशिंग सोडा क्या होता है बच्चे, ये देखो वाशिंग सोडा का केमिकल नेम आता है बच्चे, तो केमिकल फॉर्मूला हो जाता है, या केमिकल नेम क्या होता है बच्चे सोडियम कार्बोनेट और 10 मॉलिक्यूल
ऑफ वाटर, 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ये किसका फॉर्मूला होता है बच्चे, केमिकल नेम या फिर केमिकल फॉर्मूला किसका होता है, ये वाशिंग सोडा का होता है, किसका, वाशिंग सोडा का। ये मतलब कि बना कैसे बच्चे, इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई, ये प्रोड्यूस कैसे हुआ, ये मेक कैसे हुआ, ये फॉर्मूला, ठीक है। तो क्या किया उन्होंने, ये जो सोडियम कार्बोनेट है इनको क्या बच्चे बार बार क्रिस्टल बनाए इसके, बार बार क्रिस्टल बनाए इसके, तो बार बार क्या हुआ क्रिस्टल बनाने से क्या हुआ, इसकी क्रिस्टलाइजेशन हुआ, क्या हुआ क्रिस्टलाइजेशन। जब हमने वाशिंग सोडा बच्चे जो सोडियम कार्बोनेट है इसका मैंने अगेन से अगेन क्रिस्टलाइजेशन किया, तो उस क्रिस्टलाइजेशन के कारण क्या हुआ बच्चे, इसमें क्या हुआ जो सोडियम कार्बोनेट था इसके अंदर क्या आगे 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आगे, क्या आगे 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आगे, तो ये क्या बन गया बच्चे, क्या बन गया Na2CO3 और 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बन गया, क्या बन गया 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बन गया, ठीक है। तो ये क्या था बन? ये क्या है वाशिंग सोडा, ये क्या बच्चे वाशिंग सोडा, ठीक है वाशिंग सोडा बन गया। क्या था फॉर्मूला इसका, क्या था बच्चे फॉर्मूला इसका, सोडियम कार्बोनेट और 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है। अब क्या होता है जो वाशिंग सोडा के ना यूज आए थे, वाशिंग सोडा के यूज आए थे बच्चे, तो आपको वो तो सभी पता होगा कि ये क्या क्लीनिटी का होता है, इन आवर हाउस हम घरों में क्या है क्लीनिटी रूप में यूज करते हैं इनको। और सेकंड बात करें बच्चे हम इनको, हमने देखा होगा वाशिंग सोडा बच्चे फैक्ट्री के अंदर भी यूज होता है, ठीक है, फैक्ट्री के अंदर इंडस्ट्री के अंदर भी यूज होता है ये, ठीक है। और इसका लास्ट एक यूज देखते हैं हम, जो वाशिंग सोडा बच्चे लास्ट यूज करते हैं, जो हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर की बच्चे क्या है हार्डनेस को रिमूव कर देता है ये, जो वाशिंग सोडा होता है जो वाटर की जो हार्डनेस होती है ना उसको क्या कर देता है ये रिमूव कर देता है, ठीक है, रिमूविंग ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये था बच्चे इसका थर्ड पार्ट। अब लास्ट बात करते हैं बच्चे पीओपी की, इसकी पीओपी, पीओपी का तो सभी ने नाम सुना ही होगा बच्चे, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। अब हम पेरिस में चले जाना, पीओपी को सुनकर कि पेरिस आगे पेरिस चलते हैं, ठीक है। तो पीओपी होता है बच्चे प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, जिसका बच्चा केमिकल नेम या फिर केमिकल फॉर्मूला क्या बोल सकते हैं उसे, क्या होता है वो कैल्शियम सल्फेट और हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, क्या होता है हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है पीओपी। तो पीओपी के बारे में देखिए बच्चे, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में देखिए, आपने देखा होगा प्लास्टर कराते हैं हम, वो पीओपी होता है घरों में यूज करते हैं, पीओपी पेंट वगैरह कराते हैं उस टाइम पीओपी कराते हैं घरों पे, ठीक है, वही पीओपी है बच्चे ये, ठीक है। तो पीओपी बनती कैसे है बच्चे, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, कैसे होती है बच्चे, जिप्सम को ब्रेक किया जाता है बच्चे, जिप्सम को क्या किया जाता है बच्चे ब्रेक किया जाता है, तोड़ा जाता है, ठीक है, तोड़ने मतलब ऐसे नहीं बच्चे हाथ से तोड़ना उसको, ठीक है ना, उसको क्या बच्चे 373 केल्विन पे क्या कर देता है बच्चे, एनर्जी दी देती है, क्या दी देती है एनर्जी, ठीक है 373 केल्विन, ठीक है टेम्परेचर दिया जाता है, उसको हीट दी जाती है। जैसे जिप्सम का फॉर्मूला होता है बच्चे कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, टू मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, कैल्शियम सल्फेट ऑफ टू मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ये क्या होता है बच्चे जिप्सम होता है, क्या होता है जिप्सम, जिप्सम को अंदर बच्चे क्या है, जब जिप्सम को क्या बच्चे 373 केल्विन केल्विन के बच्चे टेम्परेचर दिया जाता है, इसको हीट दी जाती है, तो उस टाइम बच्चे क्या क्या फॉर्मेशन होता है, एक तो बच्चे होता है कैल्शियम सल्फेट हाफ वाटर प्लस में वन एंड हाफ वाटर, क्लियर बच्चे। तो उस टाइम क्या बच्चे जब जिप्सम को क्या है 373 केल्विन पे क्या किया जाता है हीट किया जाती है या फिर टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है, तो उस टाइम बच्चे फॉर्मेशन किसकी होती है, इसकी होती है बच्चे प्लास्टर ऑफ पेरिस की, ये पीओपी तो है बच्चे, ये क्या है पीओपी, ठीक है, तो ये क्या है पीओपी, और हाफ एंड वन एंड हाफ मॉलिक्यूल क्या होता है बच्चे वाटर रिलीज हो जाता है, तो ये क्या बच्चे पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके यूज तो आपको पता ही होगा, ठीक है, जब फ्रैक्चर हो जाता है उस टाइम इसको यूज किया जाता है, इन आवर हाउस घरों में यूज किया जाता है बच्चे, जिस टाइम पेंट करना हो घर पे उस टाइम इसको क्या है पीओपी यूज किया जाता है। तो ये था हमारा बच्चे सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट, ठीक है। तो बच्चे चैप्टर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बहुत बहुत सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।